अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जैनब चिली किचन से। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रशियन सैलड। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, फुल 1 मिल्क क्रीम का पैक, ठीक है, वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 कप मायोनीज। चलें अब मिक्स करते हैं। मायोनीज डालेंगे, क्रीम को ऐड कर दूंगी, आइसिंग शुगर को ऐड करूंगी, और इन्हें मिक्स कर दूंगी। इसे ऐसे मिक्स कर लें कि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए गाइस, ये बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, ठीक है, देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है। तो अब हम इसे सेट होने के लिए 10 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे। चलिए गाइस, ये है रशियन सैलड के इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। मैंने मैक्रोनी ली थी 1 कप, उसे मैंने बॉईल कर लिया है। मैंने बंद गोभी ली है, ठीक है, 2 अंडे लिए हैं, उसे भी मैंने बॉईल कर लिया है। 2 मैंने नॉर्मल साइज के सेब लिए हैं। ये मैंने आलू 1 नॉर्मल साइज का और 1 ही नॉर्मल साइज की गाजर लेकर उसे बॉईल कर लिया अच्छे से, ठीक है। और ये मैं यूज कर रही हूँ अंगूर और पाइनएप्पल। आप चाहें तो इसके अलावा कुछ भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, क्योंकि मे भी यही फ्रूट्स अच्छे रहेंगे। पहले मैं इसमें चले अब मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सारे फ्रूट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी। जो मैंने पहले बना के रखी हुई थी। अब इसके साथ मैं बंद गोभी को भी डाल दूंगी और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। गाइस ये देखिए, अब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। देखिए गाइस, मैंने रशियन सैलड को डिश आउट कर दिया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप रशियन सैलड को बनाएंगे और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ, जो भी खाएगा वो कहेगा मैंने ऐसी कभी लाइफ में नहीं कभी खाई। इंशाल्लाह। मैं जैनब चिली किचन से अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।